प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बीच में हम कहीं भी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? पूरी बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात ये थी कि हमने सुपर ऑब्जेक्टिव नामक सीरीज आपके स्टार्ट की थी। एक दूसरी सीरीज हमारी चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका नाम हमने प्रैक्टिस सेट के नाम से रखा था। तीसरा जो हमारी सीरीज चल रही थी वो है आपकी कौन सी, जल्दी बता दीजिए, डबल डोज की सीरीज, वो भी चल रही है। और चौथी जो हमने आपके लिए लेके आए क्यू एंड ए, वो क्वेश्चन और आंसर सीरीज, वो भी आपकी चल रही थी। क्वेश्चन और आंसर सीरीज में हमने हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम में हमने टोटल आपको 1200 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आपका एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज थी, इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया था। कुछ दिन तक क्लास चली, आप लोगों का सहयोग थोड़ा सा कम मिला जिसकी वजह से वो क्लास रुक गई थी। आप लोग इसमें सहयोग करें, पार्टिसिपेट करें और इसके वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो, ठीक है? तो सुपर ऑब्जेक्टिव सीरीज आज की स्टार्ट की जा रही। आज क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4th को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4th को, एनिमल किंगडम को, ठीक है? इसके पहले हमने 8 अलग अलग वीडियो में 3 चैप्टर को कर लिया, आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, 22 चैप्टर आपके क्लास 11th में और 16 चैप्टर क्लास 12th में। टोटल चैप्टर को अगर हम काउंट कर दें तो टोटल हमारे पास चैप्टर होते हैं 38। अगर एक चैप्टर पे हम 2 घंटे का समय देते हैं तो आपका टोटल होता है 76 घंटे, ठीक है, 76 आवर। और इस 76 आवर को हम मान लेते हैं एक 75 आवर्स, 75 आवर्स को अगर हम देख लें तो लगभग आपका 7 दिन में बड़े आराम से कवर किया जा सकता है, यानी एक सप्ताह में। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर इतना आप पूरा कर लेते हैं तो आपको कोई भी 50 नंबर पाने से नहीं रोक सकता। 50 क्वेश्चन इस पूरी सीरीज से आपको पक्का मिलने वाला, ठीक है, एक गारंटी है, मैं लिखित दे सकता हूँ उसके लिए कि एनसीईआरटी बेस्ड के आने वाले 50 क्वेश्चन आपके पक्का मिल जाएंगे। इसके बाद असर्शन रीजन, वो सब जो आपके प्रैक्टिस पेपर के हैं वहाँ से कुछ मिल जाएगा। और आप बड़े आराम से अगर पीजीटी और टीजीटी में 100 पार कर जाते हैं, टीजीटी में थोड़ी सी मेरिट हाई जा सकती है क्योंकि टीजीटी को लेकर के इंटरव्यू है नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे वहाँ पटक चल रही है। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपके कम से कम आपके अगर 105 107 तक चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है, ठीक है। आज की सीरीज में हम 230 क्वेश्चन लिए हैं एनिमल किंगडम के, टोटल क्वेश्चन को हम करेंगे, बीच में हम बात नहीं करेंगे जैसा कि मैंने आपसे बताया। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, यदि आप टेलीग्राम नहीं पा रहे हैं स्टडी विद प्रदीप नाम से अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया 8004109989, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको यहाँ व्हाट्सअप पर ही आपको इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। चलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट टू फोर क्वेश्चन आपके नहीं रखे गए, कुछ कारण था मैं आपको बाद में बता दूंगा। यह पूरा पीडीएफ जो है आपका प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से लिया गया और इसका आंसर भी आपको प्रदीप पब्लिकेशन के बुक के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, यहाँ पे कोई भी छुपाने वाली चीज़ें नहीं। आप जानते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके ज़्यादातर नीट के बेसिस पे लिखे जाते हैं, इसलिए जहाँ पे आप देखेंगे नीट 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 आपको मिलेगा, नीट AIAPMT इत्यादि लिखे लगेंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और बताऊंगा ये सब क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी इत्यादि में पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट ओरिजिनेट ड्यूरिंग द पीरियड, कह रहा किस पीरियड में फर्स्ट वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुआ था, तो आपको यहाँ पे 4 पीरियड दिए गए, लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और कौन है आर्डोवीसियन काल, कौन सा आर्डोवीसियन पीरियड है, तो ये आपका आंसर हो जाता है फर्स्ट वर्टिब्रेट ओरिजिनेट इन द आर्डोवीसियन पीरियड, किसमें आर्डोवीसियन पीरियड में। उम्मीद करते हैं कि आपके टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा जाएगा। द इंस्टिंक्ट बर्ड डोडो बिलोंगिंग टू द, किससे, मेरिटियस से, किससे बिलोंग करती है, मेरिटियस से बिलोंग करती, कहाँ से बिलोंग करती, मेरिटियस से बिलोंग करती, कौन सी, इंस्टिंक्ट बर्ड डोडो, ठीक है। गोम्बिसिया क्या है, गोम्बिसिया एक प्रकार की मछली है जो किसको खाती है, मच्छर को खाती, मच्छर के लार्वा को खा जाती। प्रेडेटर ऑफ किसका, प्रेडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा, ठीक है, प्रेडेटर ऑफ मॉस्किटो लार्वा, इसका आंसर भी आपको हम आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग मैमल्स, अब ध्यान से क्वेश्चन करिएगा, खाली जल्दी जल्दी सुनिएगा, कोशिश करेंगे 150 मतलब 1.5 घंटे के अंदर हम इसको कंप्लीट कर दें। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग मैमल्स विच प्रोवाइड एंड द एविडेंस ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कह रहा वह कौन से ऐसे मैमल है जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एविडेंस प्रोवाइड करता है
फ्रॉम द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर फाउंड इन, कह रहा किस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को प्रोवाइड करने वाला मैमल्स किस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनिमल हैविंग ए क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल हर्ट, ठीक है, वेंट्रल हर्ट, पल्मोनरी रिस्पायरेटरी एंड टू पेयर ऑफ लेग। कह रहा है कि वह कौन ऐसा है जिसके पास ये कैरेक्टर पाए जाते हैं कि क्रेनियम कैपेसिटी पाई जाती है, क्रेनियम कैप पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, वेंट्रल हर्ट पाया जाता है, पल्मोनरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? आप कहेंगे टू पेयर लेग पाए जाते हैं, तो इसे कार्डेटा कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं, टेट्रापोडा कहते हैं या ग्रेथोस्टोमेटा कहते हैं, आपको बताना है। तो इसे क्या कहते हैं? टेट्रापोडा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टेट्रापोडा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, उसके बाद आपका आ गया लॉन्ग हॉलो बोन। लॉन्ग हॉलो बोन विथ इंटरकनेक्टेड एयर पासेस आर कैरेक्टरिस्टिक। आप कह रहे हैं लंबी बड़ी बोन पाई जाती है, इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से, एयर पासेस पाए जाते हैं। किसका कैरेक्टर है? आप सही पकड़ रहे हैं, किसका कैरेक्टर है जल्दी बता दीजिए, किसका कैरेक्टर है? तो आप कहेंगे एप्स का कैरेक्टर है, और यह प्रश्न आपके टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। हम आपको सॉल्व पेपर कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे यह प्रश्न, टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लियरली नोटिसेबल इन बर्ड। कह रहा कौन सा ऐसा है जो क्लियरली नोटिसेबल नहीं होता, यानी दिखाई नहीं पड़ता, किसमें? बर्ड्स में क्लियरली दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में आपको बताना। कौन सा? फोर लिम्स। कौन है? फोर लिम्स, क्योंकि इसका जो आगे का लिम्ब होता है जिसे आप फोर लिम्स कहते हैं, लिम्स को कितने भागों में बांटा? दो भागों में, फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब। तो जो फोर लिम्ब होता है मॉडिफाइड हो जाता है किसमें? विंग्स के रूप में। तो आपका आंसर कौन होगा? फोर लिम्स होगा। ठीक है, सी स्नैक आर, सी स्नैक कौन है? सी स्नैक आपको बताना, सी स्नैक आर आपको आंसर करना, सी स्नैक कैसा है? तो आप कहेंगे बीबी पैरस है। कैसा है? बीबी पैरस है। सी स्नैक कैसा है? बीबी पैरस है। ठीक है, बीबी पैरस ऐसे एनिमल को कहते हैं जो क्या करते हैं? मेच्योर बेबी को जन्म देते हैं। कैसे? एनिमल को जो मेच्योर बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, यहां देखिए सबके आंसर लिखे गए हैं, आप आंसर मैच करा सकते हैं। ठीक है, एनिमल हैविंग रेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट एंड द बाइलेटरल सिमेट्री इन द लार्वा आर। कह रहा ऐसे एनिमल जिसमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके पीजीटी में पूछा गया। आपको यकीन ना हो तो आप जा करके अपना यूथ का या घटनाचक्र का है जिसका भी आप प्रैक्टिस पेपर रखे हो, चाहे शिल्पी के जाके मिलाइए। एनिमल्स हैविंग रेडियल सिमेट्री, एनिमल में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है एडल्ट में, और बायोलेटरल सिमेट्री किसमें पाई जाती है? लार्वा में। एक कैरेक्टर किसका? इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर? इकाइनोडर्मेट्स का कैरेक्टर है। आपको पता होगा किसका कैरेक्टर है? इकाइनोडर्मेट का कैरेक्टर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी पे दिया गया है, इकाइनोडर्मेट का कैरेक्टर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको हम आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे, बड़ा ही मत। एनिलीड्स आर एडवांस्ड ओवर निमेटोड्स इन हैविंग। कह रहा एनिलीडा जो है निमेटोड्स से एडवांस होता है, किसके बिहाफ पे, किसके आधार पे? तो आप कहेंगे यहां पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन के, ट्रोसोलोम के, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के, ऑल ऑफ दीज सभी आपके सही हैं। तो ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। एम्बुलेक्रल ग्रुप्स आर एब्सेंट इन द क्लास। कह रहा है एम्बुलेक्रल ग्लैंड ग्रुप किस क्लास में एब्सेंट होती है, आपको बताना। एम्बुलेक्रल ग्रुप आर एब्सेंट इन द क्लास, किस क्लास में एब्सेंट होती है? तो आपको बताना इसका आंसर स्ट्रेडिया में, क्रेनोडिया में, या ओफिन्यूरोडिया में, या नन ऑफ दी जे भक्तो। आप बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ गया? हाँ अच्छा ठीक है, ओफिन्यूरोडिया में। ठीक है, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन पिनबार्म, पिनबार्म का साइंटिफिक नेम, ये भी क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा गया है, आप जाकर के मिला लीजिए, यकीन ना हो तो जाकर के साल पेपर मिला लीजिए। कह रहा है पिनबार्म का साइंटिफिक नेम क्या है, आपको इसका आंसर करना, पिनबार्म का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आप बताएंगे एंट्रोबिलस वर्मिकुलेरिस। क्या है? एंट्रोबिलस वर्मिकुलेरिस आपका क्या है नाम है किसका? पिनबार्म का, ह्यूमन पिनबार्म का। सिस्टोट्स डिफर फ्रॉम द फ्लैटवार्म इन लैकिंग। कह रहा है सिस्टोट्स जो होते हैं वो फ्लैटवार्म से अलग होते हैं, किसके आधार पे? तो आप बताएं किसके आधार पे? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जल्दी से आंसर कर दीजिए। किस सिस्टम के बिहाव पे अलग होते हैं? तो आप कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बिहाव पे क्या होते हैं? अलग होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्यूट्रोस्टोम। कह रहा कौन ऐसा है जो ड्यूट्रोस्टोम, क्या कहे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्यूट्रोस्टोम, तो आपको इसका आंसर करना होगा। आंसर क्या है इसका? एनिलीडा। कौन है? एनिलीडा। ऑप्शन है कार्डेटा, इकैनोडर्मेटा, सिफाइलोकार्डेटा में एनिलीडा आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। लिजार्ड, लिजार्ड डिलिबरेटली ब्रेक देयर टेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेशन, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड। कह रहा है जब छिपकली अपने
उन टेल को गिरा देती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी के बारे में आपको बताना है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 19 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, ऑटोनॉमी ऑटोटॉमी कहते हैं, सॉरी माफ करिएगा, ऑटोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोटॉमी। एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अकर इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, रेप्टाइल्स, ह्यूमन, एप्स और इंसेक्ट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जल्दी बता दीजिए, 20 का आंसर क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप कहेंगे इंसेक्ट में पाया जाता है, किस में, इंसेक्ट में पाया जाता है, द वर्टिब्रा इन द सब ऑर्डर ओफिडिया स्नेक्स आर, ओफिडिया स्नेक्स किस सब ऑर्डर के बारे में आपको बताना, वर्टिब्रा के, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रोसिलस होता है, क्या होता है, प्रोसिलस होता है। और उसके बाद रेटिटे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स विच है, कह रहा रेटिटे जो है फ्लाइटलेस बर्ड है, ये कहाँ पे है, क्या क्या रखती है अपने पास, तो आप बताएंगे क्या रखती है अपने पास, तो इसका आंसर हो जाएगा बीक, बिंग मसल्स, और दूसरा क्या है आपका, फ्लैट ब्रीस्ट बोन, स्ट्रांग बिंग मसल्स। तो ये आपका दो सही है, आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, करेक्ट आंसर। एमंग द फॉलोइंग पेयर्स द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर, कह रहा कौन सा ऐसा पेयर जिसमें सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल को रखा गया है, यानी उसके बारे में आपको बताना है। फ्रॉग और स्नेक के कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी रेप्टिलिया का है, एम्फीबिया का कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, जबकि बर्ड्स और मैमल, यहाँ पे बर्ड्स और मैमल ये दोनों जो होते हैं, बर्ड्स और मैमल, यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपका सही आंसर कौन है, बी है। उसके बाद आपका जो आंसर हो गया कौन है, बी है। उसके बाद आप अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे बर्ड्स और मैमल की अगर हम बात कर लें, तो बर्ड्स और मैमल ये क्या है आपका, वार्म ब्लडेड एनिमल है। कौन है, वार्म ब्लडेड एनिमल। चलें आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है। एक कैरेक्टर्स एक्सक्लूसिवली आप मैमल से, कह रहा मैमल का एक कोई कैरेक्टर बताइए जो आप जानते हो, तो मैमल का कोई कैरेक्टर बताइए जो यहाँ पर उसको प्रूव कर सकता है आइडेंटिटी, तो आप बताएंगे यहाँ पर उसका आंसर क्या होगा, मस्कुलर डायफ्राम। क्या है, मस्कुलर डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर डायफ्राम, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज मॉडिफाइड, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, दो तीन बार करा दिया मैं, पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक इज मॉडिफाइड, किसका मॉडिफिकेशन होता है पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक का, तो आप कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड का, किसका, पैरोटिड ग्लैंड का, किसका, पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, पैरोटिड ग्लैंड का। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन रखा हूँ, यह सभी क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, फिर से मैं बता देता हूँ कि प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है, प्रदीप पब्लिकेशन में जितने क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर भी हम प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से बता रहे हैं। अगर आप बुक खुद से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, लेकिन इसको करने से क्या होगा कि आप जब फ्री नहीं है तो समय इसको चला दीजिए, आप आराम से देखते रहिए, क्वेश्चन आंसर करती रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। द ग्रुप एमनियोटा यानी एमिनिया इंक्लूड, कह रहा है एमनियोटा ग्रुप में कौन आता है, तो आपको इसको बताना है एमनियोटा ग्रुप में कौन आता है, रेप्टिलिया बर्ड्स मैमल और किसमें आ जाते हैं, एमनियोटा ग्रुप में कौन आ जाते हैं, रेप्टिलिया बर्ड्स और मैमल आ जाते हैं। आपका आंसर कौन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है ए मिसमैच्ड इन द फॉलोइंग इज, कह रहा कौन इसमें मिसमैच्ड है, आपको बताना है कौन इसमें मिसमैच है, तो आप इसके बारे में बताएंगे फेरितिमा पैरापोडिया ए आपका मिसमैच है, बाकी सभी कार्टिलेजिनस भी, शार्क है, हाइड्रा क्या है, सिनेडेरियन है, ठीक है। उसके बाद टोड क्या है, हॉर्स है, ओड टोड क्या कहते हैं इसको, हॉर्स कहते हैं, तो ये पैरापोडिया फेरितिमा पैरापोडिया क्या है, मिसमैच है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, सही से मैच नहीं है, ठीक है। चलिए इक्थियोफिश इज, इक्थियोफिश क्या है आपको बताना है, इक्थियोफिश क्या है, तो इक्थियोफिश नाम में फिश भले, लेकिन इक्थियोफिश क्या है, ए लैम्बलेस क्या है, एम्फीबिया, ऐसा एम्फीबिया जिसमें लेग नहीं पाया जाता है, यानी लिम्बलेस क्या है, एम्फीबिया, ठीक है। फैसियोला हिपेटिका लिव इन द सीप इज, कह रहे फैसियोला हिपेटिका सीप में कहाँ पाई जाती है, आपको बताना फैसियोला हिपेटिका सीप में कहाँ पाई जाती है, बाइल डक्ट में पाई जाती है, कहाँ पे, बाइल डक्ट में पाई जाती है। एस्केरिस एंड एनाफ्लीज आर सिमिलर इन, एस्केरिस और एनाफ्लीज दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, किस बिहाफ पे सिमिलर हैं, तो आपको बताना किस बिहाफ पे सिमिलर हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बिहाफ पे क्या है, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नर्व सेल बट नो ब्रेन, कह रहा कौन ऐसा जिसमें नर्व सेल तो पाई जाती है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता, जिसमें नर्व सेल तो पाई जाती है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता है। टीजीटी वाले ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, ठीक है। वन ऑफ दीज लाइक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कह रहा कौन ऐसा जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, 32 का आंसर करना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता अर्थवाम में, यहाँ पे सिल्वर फिश पाया जाता, हाउस फ्लाई पाया जाता, कॉकरोच है पाया जाता, अर्थवाम में नहीं पाया जाता, यहाँ पे
लैग लिखा गया, ठीक है। तो अर्थवाम आपका सही आंसर हो जाएगा। हीमोसिल इज फाउंड इन, हीमोसिल किस में पाया जाता है, आर्थोपोडा में, सिलिड्रेटा में, पोरिफेरा में या एनिलिटा में। तो आपका आंसर सही होगा किस में पाया जाता है, आर्थोपोडा में। बहुत सही, आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तेजी के साथ चलते हैं, बहुत तेजी से इसको खत्म करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन इज ओपन इन ब्लड, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाएगा, तो ऊपर के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, काकरोच हो जाएगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा, काकरोच हो जाएगा। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज फाउंड, वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है, तो आपके सिलेंट्रेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेट में पाया जाता है। टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, कह रहा है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया जाता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटम ना, हाँ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया जाता है, सिलेंट्रेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिलेंट्रेट में पाया जाता है। उसके बाद नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन, नोटोकार्ड किस में पाई जाती है, ऑल कार्डेट में, फ्यू कार्डेट में, ऑल वर्टिब्रेट में, फ्यू वर्टिब्रेट में। आंसर करना बहुत बेसिक सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग से तो आप सभी लोग लगा लेंगे ऑल कार्डेट में, ठीक है। उसके बाद कारापेस इज एसोसिएटेड विथ, कारापेस किससे जुड़ा होता है, तो आप बताएंगे कारापेस इज एसोसिएटेड विथ किससे, टाइटल से। किससे जुड़ा हुआ, टाइटल, टाइटल से जुड़ा हुआ, किससे, टाइटल से। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, टाइटल से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज विथ फोर चैम्बर इन द हर्ट, कह रहा कौन ऐसा रेप्टाइल है जिसमें फोर चैम्बर हर्ट पाया जाता है, जिसमें किस में पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्रोकोडाइल में। और एक ऑप्शन किसका आपका सही है, क्रोकोडाइल में पाया जाता है। और मैं बता दूं स्टैटिस्टिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ए मैमेलियन ट्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन इज, कह रहा है ए मैमेलियन ट्रेट विदाउट एनी एक्सेप्शन, कह रहा कौन ऐसा लक्षण है जो मैमेल में पाया जाता है और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आप इसको बताएंगे इसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो तो कौन सा हो जाएगा। मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डामिनल, मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है किसमें, थोरेक्स और एब्डामिन के बीच में। इसका कोई भी आपका क्या है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, कह रहा कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, यानी कौन सा इसमें सही नहीं है। चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी आप चूज कर पाएंगे कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी बता दीजिए। व्हेल इज द लार्जेस्ट फिश, यही आपका गलत है। व्हेल क्या है, मैमेल से लार्जेस्ट फिश नहीं होगी। और ब्लू व्हेल क्या है, पूरे सबसे बड़ी क्या है, वो स्तनधारी है, सबसे बड़ी कौन है, ब्लू व्हेल। तो यहाँ पे लार्जेस्ट ये क्या है, फिश नहीं होगा, क्या होगा, मैमल्स होगा। तो आपका पहला ही सही है, बाकी सब सही होंगे। इंसेक्ट है थ्री पेयर लेग्स, ये सही है, प्लेटे हेलमेंथीज है, फ्लेम और ये आपका स्क्रेटरी सिस्टम। स्क्रेटरी सिस्टम का वीडियो मैंने आपको डबल डोज में प्रोवाइड कराया, यदि आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। ऑल मैमल है मेमरी ग्लैंड बट नो, ये भी आपका सही। चलिए प्लेसेंटा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, प्लेसेंटा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमल्स का, एम्फीबिया का, रेप्टिलिया का और फिश का। तो ये तो बिना बताए ही आप कर सकते हैं किसका है, मैमल्स का है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, विच आर द फॉलोइंग क्लास है टू आर्किल एंड एंड इनकम्प्लीट पार्टिशन वेंट्रिकल, अच्छा कह रहा हुआ कौन है जिसमें दो आर्किल पाए जाते हैं लेकिन इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कौन है इन, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही बता रहे हैं आप कौन है, रेप्टाइल्स, कौन है, रेप्टाइल्स है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, रिमोरा सार्क एग्जिबिट, रिमोरा सार्क एग्जिबिट आपको इसका आंसर करना है। रिमोरा सार्क एग्जिबिट तो आप बताएंगे कॉमन सेल्जम, रिमोरा सार्क एग्जिबिट क्या है, कॉमन सेल्जम को शो करता है, ठीक है। क्या होता है कॉमन सेल्जम, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में जब क्लास 12th का वीडियो कराएंगे तब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रोफिस, कह रहा कौन इसमें से ट्रोफिस है, ये भी मैंने आपको 10 ऐसी मछलियों के बारे में प्रोवाइड कराया डबल डोज में, जो नाम कुछ और होता है, फिश वो अलग अलग फाइलम की होती हैं, तो उसको मैंने प्रोवाइड कराया, आप एक बार याद कर लेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ये आंसर कौन सा हो जाता है, फ्लाइंग फिश क्या है, ट्रोफिस है। फ्लाइंग फिश क्या है, ट्रोफिस है। एक्जोसिटस क्या कहते हैं, एक्जोसिटस कहते हैं ना शायद, हाँ एक्जोसिटस कहते हैं, देख लीजिएगा कि फ्लाइंग फिश का नाम आप कमेंट करके बताइए, देखते हैं, ठीक है। हमको जहाँ तक याद आ रहा है एक्जोसिटस को फ्लाइंग फिश कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेबी पैरस, कौन इसमें से बेबी पैरस है आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेबी पैरस, बेबी पैरस कौन है, तो आप बता दीजिए जल्दी से। नन, यहाँ पे कोई भी बेबी पैरस नहीं है, सभी क्या है, ओवी पैरस है, ठीक है, या ओवीवी पैरस है, ठीक है। विच एमंग आर द फॉलोइंग, विच एमंग द फॉलोइंग इज एंड द इंडियन मंकी, इसमें से कौन ऐसा है जो इंडियन मंकी, चलिए पांच ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन मंकी चूज करना है। मकाका, मकाका, मकाका क्या है, इंडियन मंकी, क्या है, मकाका इंडियन मंकी, ठीक है। एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स तो ये तो कई बार आपसे पूछा गया, डक बिली प्लेटस, मिला आपको आंसर, बताइए जल्दी से, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, डक बिली प्लेटस। आपके टीचटी पिचटी जी आई सी एल टी सब में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द करेक्ट मैच, आपको करेक्ट मैच बताना है, सिल्वर फिश, आक्टियो फिश, कटल फिश, इलास्मो ब्रांच, जेली फिश, सेफोजोवा
और क्रेफिश इकाइनोडर्मेटा, आपको करेक्ट मैच बताना, एक ही कोई करेक्ट है बाकी सब गलत मिलाए गए हैं, तो आप बताएंगे कौन सा सही है। जेलीफिश सेफो जो हुआ आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सभी क्या हैं आपके गलत हैं। चलिए, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फेस्टिवला हिपेटिकल लीवर फ्लूक इन्फेक्ट इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वर स्टेज रिस्पेक्टिवली। कह रहा ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फेस्टिवला हिपेटिकल लीवर फ्लूक इन्फेक्ट इट इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसको बताना होगा कौन सा वो लार्वल स्टेज आता है, तो आप बता देंगे मेरासीडियम एंड मेटा, मेरासीडियम कौन सा, मेरासीडियम और मेटासीरियम सर्किलिया, मेरासीडियम और क्या होता है मेटा सर्किलिया लार्वा, ठीक है। हाँ वो क्या है, ये ओमेटिडिया, ओमेटिडिया सर्व एट द पर्पज ऑफ द फोटो रिसेप्टर इन, अच्छा ओमेटिडिया सर्व एट द पर्पज ऑफ फोटो रिसेप्टर इन, किस में फोटो रिसेप्टर का काम करता है, तो आप कहेंगे काकरोच में। किस में ओमेटिडिया किस में फोटो रिसेप्टर का काम करता है, तो काकरोच में। आपका आंसर कौन सही होगा, काकरोच सही हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ एंड द एनिमल एंड ए सर्टेन फिनोमेना इज इट एग्जिबिट। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड ए सर्टेन फिनोमेना इन एग्जिबिट, आपको बताना है। फेरिथिमा, सेक्सुअल डायमॉर्फिक। चलिए 52 का आंसर बता दिए, 52 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दिए 52 का आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे 52 का आंसर क्या होगा, म्यूस्का कंप्लीट मेटामॉर्फिस, मेटामॉर्फोसिस। ये आपका क्या है, फिनोमेना एग्जिबिट है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ द एनिमल्स एंड द सर्टेन फिनोमेना इज एग्जिबिट, ठीक है। चलिए पढ़ लिए आप, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा एक सेकेंड, एक क्वेश्चन नंबर आपका इधर होगा अभी, ठीक है। चलिए इसमें आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए लूज मेंटल ओवर देयर बॉडी। कह रहा कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर लूज मेंटल पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे मोलस्का में। किस में पाए जाते हैं, मोलस्का में पाए जाते हैं। पर्ल इज प्रोड्यूस इन द बाइवाल्व बिलोंग टू द जीनस, चलिए आंसर बताइए। पर्ल इज प्रोड्यूस इन द बाइवाल्व बिलोंगिंग टू द जीनस किससे, तो आप कहेंगे इसमें जल्दी बता दीजिए 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर आपको बताना है। 54 का आंसर क्या है, पिंक टाडा है। कौन है पिंक टाडा है, आपका सही आंसर कौन, पिंक टाडा। स्कॉर्पियन बिलोंगिंग टू ए क्लास टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो बिलोंग, कह रहा है स्कॉर्पियन यानी बिच्छू जिस क्लास से बिलोंग करता है उसी से दूसरा कौन बिलोंग करता है, टिक्स बिलोंग करता है। कौन बिलोंग करता है, टिक्स बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नन ऑफ द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज, कह रहा कौन इसमें से फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज नहीं है, नन ऑफ द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज, आपको बताना है। कार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और प्रोटोजोआ, तो आप आंसर कर देंगे किसका, आपका आंसर सही है इकाइनोडर्मेटा जो है इस सी में पाया जाता है, सी वाटर ऑर्गेनिज में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, यानी आपको चारों स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, तो चारों स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना। ऑल वर्टिब्रेट आर, ऑल कार्डेट आर वर्टिब्रेट सही है, चलिए। ऑल कार्डेट्स हैव ए वर्टिब्रल कॉलम, ये भी सही है। ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट, ऑल वर्टिब्रेट आर कार्डेट, ये आपका गलत है, बाकी सभी क्या है आपके सही है। चलिए आंसर करते हैं, वर्टिब्रेट आर कैरेक्टराइज बाई, वर्टिब्रेट आर कैरेक्टराइज बाई, कह रहा वर्टिब्रेट का कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकार्ड, वेंट्रल प्लेस, वेंट्रल वेंट्रली प्लेस्ड हर्ट द फेरेंजियल गिल स्लिट एट सम स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल RBC। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही है, तो आपको बताना है ऑल ऑफ दीज एबव आपका सही हो जाएगा, सभी के सभी करेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन, कह रहा है आपको इस स्टेटमेंट से सेलेक्ट करना है कौन सा आपका रॉन्ग है यानी गलत है। प्राण हैज टू पेयर ऑफ द एंटेनी, तो आपका यही गलत है, प्राण में टू पेयर एंटेनी बताया जा रहा है, ये आपका गलत है और हमको गलत वाला ही आंसर करना था, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, ए सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम 50-60 क्वेश्चन पे हैं, तेजी से चलिए 230 क्वेश्चन करने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तेजी के साथ बढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिडा द प्लेटे हेलमिंथी शो, कह रहा इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिडा द प्लेटे हेलमिंथी शो, तो आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ सही होगा आपका, तो आंसर सही होता है आपका एबसेंस ऑफ द बॉडी कैविटी, एबसेंस ऑफ द बॉडी कैविटी। स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका इन अर्थवार्म इज, स्पर्मेथिका इन अर्थवार्म इज, आपका आंसर कौन सही होगा, स्पर्मेथिका आप इन अर्थवार्म इज फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म ऑप्टेन फ्रॉम मेल अर्थवार्म ड्यूरिंग द कपुलेशन एंड यू टू द फ्यूचर, ठीक है, ये आपका आंसर सही है। उसके बाद इंसेक्ट है, इंसेक्ट में क्या पाए जाते हैं, तो इंसेक्ट में पाए जाते हैं थ्री पेयर लग, थ्री पेयर लेग, इंसेक्ट में क्या पाए जाते हैं, थ्री पेयर लेग पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, लीज सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेजेंट, यानी कौन सा ऐसा वो निकालता है जिससे क्या होता है कोगुलेशन नहीं होता, यानी ब्लड जमता नहीं है,
ठीक है, लीच में दोनों तरफ से शकर पाए जाते हैं, पोस्टीरियर एंड पे और इंटीरियर एंड पे। तो आप बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टीस्टी पिस्टी सब में पूछा गया, तो आप बताइएगा कि ये कहाँ पे पाया जाता है, क्या निकालता है जिससे ब्लड जमता नहीं, थीरोडीन निकालता, क्या निकालता है, हीरोडीन निकालता है जिससे ब्लड जमता नहीं और लगातार शक्करता रहता है। कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज नॉट कंसर्न विथ, कह रहा कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज नॉट कंसर्न विथ, कह रहा कैनाल सिस्टम पोरीफेरा का इज नॉट कंसर्न विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द एडिसन पैड्स सॉफ्ट पैड्स प्रेजेंट इन लेग ऑफ द काक्रोच आर, कह रहा द एडिसन पैड यानी सॉफ्ट पैड्स प्रेजेंट इन द लेग ऑफ द काक्रोच आर क्या काम करता है, आपको बताना कौन सा काम करता है, तो आप कहेंगे ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अर्थवार्म हैव हाउ मेनी सेगमेंट, अर्थवार्म में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, तो आपको बताना अर्थवार्म हैव हाउ मेनी सेगमेंट, आप कहेंगे 115 to 120। ट्यूब फीट आर द लोकोमेट्री ऑर्गन इन, कह रहा ट्यूब फीट किसका लोकोमेट्री ऑर्गन होता है, किसका होता है, स्टार फिश का। फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, मैंने आपको इसका मैंने बताया ना कि आपको इसको डबल डोज में प्रोवाइड कराया गया है, तो फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन, फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो आप बताएंगे प्लेनेरिया का, किसका होता है प्लेनेरिया का होता है ठीक है, तो या प्लेटे हेलमिंथीज का होता है, प्लेनेरिया उसका एग्जाम्पल हो जाता है ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स हैव सिमिलर फंक्शन, कह रहा वहाँ पे कौन सा ऐसा है जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, आपको इसके बारे में बताना, 69 का आंसर करना है आपको, जल्दी से पढ़िए सभी ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद बताइए। यहाँ पे टिफ्लोसोल इज द अर्थवार्म इंसेस्टाइन बिली इज द रेट ऑफ द क्या सिमिलर ऑर्गन फंक्शन, यहाँ देखिए नेफ्रीडिया इन अर्थवार्म मेलपीगियन ट्यूबुल्स ऑफ कॉकरोच एंड यूनिब्लेडर इज द रेट, ये सभी क्या है एक दूसरे के समान फंक्शन करते हैं, तो आपका आंसर कौन होगा, बी वाला आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाते हैं तो अगला ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन द सिल्वर फिश स्कॉर्पियन ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन, ये क्वेश्चन आप जाकर के टीएचटी पीएचटी का प्रैक्टिस पेपर देखिए, मैं खुद करवाया हूँ, मुझे याद आ रहा है 3-4 बार पूछा गया है, जीआईसी में भी पूछा गया था, ELT में पूछा गया और भी एग्जाम में पूछे गए हैं, एक कई बार पूछा गया, तो आप इसको बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इन द सिल्वर फिश स्कॉर्पियन ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन, आप आंसर कर दीजिए कौन सा आंसर आपका सही होगा, जल्दी से बता दीजिए, तो आप कहेंगे कौन सा, ज्वाइंटेड अपेंडेज एंड द काइटेनियस स्केलेटन, क्या होता है ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं और काइटेनियस स्केलेटन पाए जाते हैं, जो आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट टिपिकली ऑफ द क्लास मैमेलिया, कह रहा कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो क्लास मैमेलिया से नहीं मैच करता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे नॉट लगाया गया है, तो आप बताएंगे कौन सा, 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स मैच नहीं करता है, कितने होते हैं शायद 12 पेयर होती हैं ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स मेंटेन हाई एंड कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर सच एस मैमल्स, कह रहा कौन ऐसा है एनिमल जो मैमल्स की तरह अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है यानी वार्म ब्लडेड में आता, तो वो है आपका एप्स, और एप्स में कौन आती है बर्ड्स आती हैं ठीक है। कारापेस इज प्रेजेंट ऑन द डार्सल सर्फेस ऑफ, कारापेस किसके डार्सल सर्फेस पे पाए जाते हैं, आपको आंसर करना है टर्टोइस के, किसके डार्सल सर्फेस पे पाए जाते हैं टर्टोइस के। रोमिनेंट्स बिलोंगिंग टू ऑर्डर, कह रहा रोमिनेंट जो ये जुवाली करने वाले जानवर होते हैं, पहले चारा को पेट में भर लेते हैं फिर निकाल के जुवाली करते हैं, तो रोमिनेंट किस में आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे आर्टियोडेक्टाइला के, किसके आर्टियोडेक्टाइला के अंतर्गत आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीगैमस, कह रहा कौन ऐसा है जो पॉलीगैमस है, इसके बारे में आपको बताना है कौन ऐसा है जो पॉलीगैमस है, तो आप कहेंगे डियर जो है पॉलीगैमस होता है। और उसके बाद साइंटिक बेन ऑफ फ्रॉग ओपन इन, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है, साइंटिक बेन ऑफ फ्रॉग ओपन इन, आप बताएंगे कहाँ पे खुलती है ठीक है, ये क्वेश्चन आप पीजीटी वाले जरूर ध्यान दें, कहाँ पे पेल्विक रीजन में, कहाँ पे पेल्विक रीजन में ठीक है। उसके बाद साइटिक बोन है आपसे पूछा जा रहा है साइटिक बोन ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नोटोकार्ड थ्रू द लाइफ थ्रू आउट लाइफ, कह रहा कौन ऐसा है जिसके थ्रू आउट लाइफ में क्या पाया जाता है नोटोकार्ड पाया जाता है, आप बताएंगे थ्रू आउट लाइफ में नोटोकार्ड पाया जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे एम्फियाक्सिस, कौन है एम्फियाक्सिस है ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ द फाइलम एंड द थ्री एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे फाइलम उसके 3 एग्जाम्पल का मैचिंग सेट दिया गया है, आपको सेट करके बताना कौन सा सही है ठीक है। पोरीफेरा सिलेजनेला यूप्लेक्टेला प्लेंटुला ठीक है, निडेरिया बोनेलिया फाइसिलिया ऑरिलिया, उसके बाद प्लेटे हेलमिंथीज प्लेनेरिया इस क्या है इस्टोस्टोमा नहीं सिस्टियोसोमा इंट्रोबियस, और उसके बाद मोलस्का लोलिको टेरेडो
ऑक्टोपस। अब आपको बताना कौन सा सही, अच्छा मिसमैच है, कौन सा मिस नहीं मैचिंग है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ द फाइलम एंड इट्स द थ्री एग्जाम्पल। कह रहा कौन फाइलम के साथ तीन एग्जाम्पल किसका मैच है, तो आपको उसका आंसर करना है। फाइलम के साथ किसका तीन मैच है, तो आप बताएंगे मोलस्का वाला आपका मैच है, कौन सा मोलस्का वाला, लोलिगो टेरेडो और ऑक्टोपस क्या है आपका मैच कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक, आप कह रहा किसका कैरेक्टर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, आप जल्दी बता दीजिए इसका आंसर, तो आप सब लोगों को पता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टर है, आपको बताना कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो आप कहेंगे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का, किसका एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल, कह रहा कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल नहीं है, अच्छा लिविंग फॉसिल नहीं है, ठीक है लिविंग फॉसिल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल, जो लिविंग फॉसिल नहीं, आपको इसके बारे में बताना कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल नहीं है, जल्दी से बता दिए। आर्क्योप्टेरिक्स, आर्क्योप्टेरिक्स लिविंग फॉसिल नहीं, बल्कि ये तीनों लिविंग फॉसिल हैं, पेरिपेटस लिविंग फॉसिल है, स्फेनोडॉन लिविंग फॉसिल है, किंग क्राब्स लिविंग फॉसिल है। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन में, पेरिपेटस भी पूछा गया, किंग क्राब्स भी पूछा गया, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है, कई बार एग्जाम में आए हैं घुमा फिरा करके। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल टू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वन, कह रहा चार ऐसे एनिमल किस ग्रुप में दिए गए हैं जो कि यंग वन यानी बीबी पैरस हैं, आपको बताना है यंग वन बच्चे को जन्म देते हैं यानी बीबी पैरस, आप बताएंगे यहाँ पे। तो कंगारू रखा गया आपका, कंगारू हालांकि मार्सुपियल में आता है, उसके बाद हेडेक वर्क डॉल्फिन, इसके बाद लोरिस, उसके बाद आ जाते हैं लायन बैट व्हेल ऑस्ट्रिच, ठीक ऑस्ट्रिच इसमें गलत हो जाएगा, फिर इसमें आते प्लेटिपस पेंगुइन बैट ये नहीं स्त्री बैट, और तो देखिए इसमें आपका आंसर ए वाला तो सही हो सकता है, ए वाला क्या हो सकता है सही हो सकता है, हालांकि 100% ए भी सही नहीं है। ठीक है, टू कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपीड, टू कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन सेंटीपीड काकरोच एंड क्राप्स आर, कह रहा दो कॉमन कैरेक्टर कौन से जो सेंटीपीड्स में काकरोच में और क्रैप्स में पाए जाते हैं, आपको इसका आंसर कर देना है, किसमें पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पे जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं पहला, और क्या होता है काइटेनियस स्केलेटन पाया जाता है जो कि आपका ये तीनों के लिए बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाई रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ द टीनोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक, आप कह रहा बाई रेडियल सिमेट्री और लैक ऑफ टीनोब्लास्ट किसका कैरेक्टर होता है, आपको इसका आंसर करना किसका कैरेक्टर होता है, जल्दी बता दीजिए किसका कैरेक्टर होता है, टीनोप्लेना और किसका बिरोई का, टीनोप्लेना और किसका बिरोई का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस विदाउट यूटिलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ माइटासिस, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस विदाउट यूटिलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ माइटासिस, कह रहा कौन ऐसा जो माइटासिस के प्रोसेस के बिना भी क्या कर सकता है रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो ये कौन है साइकन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज एक्सक्लूसिवली टू द मैमल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज एक्सक्लूसिवली टू द मैमल्स, कह रहा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो मैमल से क्या करता है बिलोंग करता है, तो आप बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए, 85 का ऑप्शन बताइए जल्दी से कौन सा सही, प्रेजेंस ऑफ द डायफ्राम, कौन सा प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कैरेक्टर्स एंड, देखिए ये आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर मिला लीजिएगा आंसर मिला लीजिए, ठीक है यहाँ पर ऊपर नीचे करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर कैरेक्टराइज बाई, कह रहा ऑल मैमल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन आर कैरेक्टराइज बाई, कह रहा सभी मैमल को बिना किसी एक्सेप्शन को कैरेक्टराइज करना, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि सभी मैमल जो होते हैं उसमें एक मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है और मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती है, जितने भी मैमल होते हैं उसमें मस्कुलर डायफ्राम पाया जाता है और क्या पाया जाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती है, जो कि क्या होता है इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, 88 क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस स्कॉर्पियन काकरोच एंड सिल्वर फिश, कह रहा है ये सभी पॉसेस डार्सल हर्ट, ये सबके पास क्या होता है डार्सल हर्ट पाए जाते हैं, तो ये सबका आंसर क्या हो जाएगा दे आल पॉसेस डार्सल हर्ट, ये सब में क्या पाए जाते हैं डार्सल हर्ट पाए जाते हैं, जो इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए, वाट इज कॉमन बिटवीन पैरट प्लेटिपस एंड कंगारू, कह रहा कौन यहाँ पे कॉमन है
किसमें? पैरट में, प्लेटिपस में और कंगारू, आप बताइए कौन इसमें कॉमन है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, आंसर देख करके करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ ए बॉडी फीचर एंड द एनिमल पासिंग इट। कह रहा कौन ऐसा है जिसमें क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर एंड द एनिमल पासिंग इट। तो आप किसका आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? आप कहेंगे वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसमें पाया जाता है? वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीज में। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो मिसमैच है। एपिस इंडिका हनी, केनिया लेका लैक, बॉम्बेक्स मोरी सिल्क और पाइला ग्लोबलोसा पर्ल। अब आपको बताना है कौन सा मिसमैच है। तो यहाँ पे पाइला ग्लोबलोसा क्या है, पर्ल ये आपका मिसमैच है, बाकी ये तीनों क्या है आपके सही आंसर हैं। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच है। आपको बताना है कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। एनिमल है, मार्फोलॉजिकल फीचर दिया गया है, आपको इसका आंसर करना है। एनिमल है और मार्फोलॉजिकल फीचर दिया गया है, तो आप जल्दी बता दीजिए इसमें कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रोकोडाइल फोर चैम्बर हर्ट आपका सही है, सी आर्चिन। ठीक है, क्रोकोडाइल फोर चैम्बर हर्ट आपका सही है, ये तो सही है। उसके बाद इस पर आ जाते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए, इस पर आ जाते हैं। दूसरा सी आर्चिन पैरापोडिया है, उसके बाद क्या है यहाँ पे ओबिलिया मिलेनोजेंसिस, ये भी सही है। उसके बाद ल्यूमर थिकोडॉन्ट, ये भी सही है आपका, ये मिसमैच है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। चलिए, आर्डर प्राइमेटा कंटेन, आर्डर प्राइमेटा क्या रखता है अपने पास। तो आप बताएंगे आर्डर प्राइमेटा क्या रखता है अपने पास। मंकी और मैन को रखता है, और किसको रखता है आर्डर प्राइमेटा, किसको रखता है? मंकी और मैन को रखता है। इसमें मेस्टुअल साइकिल जिसमें चलती है, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं हम? प्राइमेट कहते हैं। और जिसमें मेस्टुअल साइकिल नहीं चलती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें ओस्ट्रस पीरियड चलता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बता दिए, ओस्ट्रस पीरियड वाले को नॉन प्राइमेट कहा जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आप सिल्क वार्म आर फाउंड इन द इंडिया। कह रहा कौन से ऐसी स्पीसीज है सिल्क वार्म की जो कि इंडिया में पाई जाती है। कौन से ऐसी सिल्क वार्म की स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती है? एंथेरिया पफिया। कौन सा? एंथेरिया पफिया। ठीक है, उसके बाद कैटरपिलर एंड मैगाट आर। कैटरपिलर और मैगाट क्या होते हैं आपको बताना। कैटरपिलर एंड मैगाट आर क्या होंगे? लार्वी होते हैं। क्या होते हैं? लार्वी होते हैं। क्या होते हैं? लार्वी होते हैं। इन विच हिच सेगमेंट इन अर्थवार्म इज द क्लेटिलम प्रेजेंट। कह रहा किस सेट में अर्थवार्म के क्लेटिलम पाया जाता है, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सिलेटिलम किसमें या क्लेटिलम किसमें पाए जाते हैं आपको बताना। क्लेटिलम किस सेट में पाए जाते हैं आपको इसका आंसर करना है। 14 to 16 यानी 14, 15 और 16 में, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। टीएचडी पीएचडी के भी हाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। आस्फरेडियम ऑफ पाइला ग्लोबुलोसा इज, आस्फरेडियम ऑफ पाइला ग्लोबुलोसा इज क्या होता है? आस्फरेडियम ऑफ पाइला ग्लोबुलोसा इज किसका काम करता है? तो आप कहेंगे कीमो रिसेप्टर का काम करता है। किसका? कीमो रिसेप्टर का काम करता है। किसका? कीमो रिसेप्टर का काम करता है। और सेंसियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, सेंसियल एपिडर्मिस किसमें पाए जाते हैं? सेंसियल एपिडर्मिस पाए जाते हैं किसमें? एस्केरिस में। सेंसियल एपिडर्मिस किसमें पाए जाते हैं? एस्केरिस में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एस्केरिस में पाए जाते हैं। द कलर ऑफ द बॉडी इन अर्थवार्म इज ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा द कलर ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवार्म इज ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसके प्रेजेंस के कारण अर्थवार्म की बॉडी ब्राउन होती है? आपको इसका आंसर करना है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। किसके कारण? तो पोर फायरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोफायरिन पाया जाता है। प्रोफायरिन के कारण क्या होता है? इसकी बॉडी कैसी होती है? ब्राउन होती। कैसी होती है? ब्राउन होती है। चले आगे, चलिए। हाइड्रा पनेक्चर्स द विक्टिम बाई इंजेक्टिंग द केमिकल। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको इसका आंसर बताना होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाता है कौन सा? हेप्नोटॉक्सिन। कौन सा? हेप्नोटॉक्सिन। क्या हो जाएगा? हेप्नोटॉक्सिन। लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंगिंग टू द ऑर्डर, लिम्बलेस एम्फीबिया किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? लिम्बलेस एम्फीबिया किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? लिम्बलेस एम्फीबिया किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो आप कहेंगे जिम्नोफियाना से। ठीक है, द टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलिनिया इज। कह रहा ल्यूकोसोलिनिया में किस प्रकार के
कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं? ल्यूकोसुलिनिया में किस प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे किस प्रकार के पाए जाते हैं, एस्कान टाइप के। कैसे पाए जाते हैं? एस्कान टाइप के पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स इज नॉन पॉइजनस। कह रहा कौन सा ऐसा स्नैक यहाँ पर रखा गया जो कि नॉन पॉइजनस है। आपके पास है कोबरा, क्रैथ है, वाइपर है और पाइथन है, तो आपको बताना कौन सा नॉन पॉइजनस है। आंसर आप बता चुके हैं, ठीक है। तो कौन सा है? पाइथन है, ठीक है। कौन सा है? पाइथन, पाइथन है। सिस्टोड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फ्लेटवार्म बाय द एब्सेंस ऑफ। कह रहा सिस्टोड किसके कारण दूसरे फ्लेटवार्म से अलग होते हैं, इसमें क्या एब्सेंट हो जाता है? तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन, कह रहा है इन हाइड्रा निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली किसमें? इपिडर्मिस में। किसमें पाए जाते हैं? इपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चल जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन। कह रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन सीन होता है, यानी खुद से फर्टिलाइजेशन कर लेता है? लीवर फ्लूक में। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सीन किसमें देखा जाता है? तो लीवर फ्लूक में। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सीन किसमें होता है? लीवर फ्लूक में होता है। किसमें होता है? लीवर फ्लूक में होता है। उसके बाद द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन, पोस्ट एनल टेल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो आप बताएंगे कार्डेट्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कार्डेट्स में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? कार्डेट्स में प्रेजेंट होती है। स्टेटमेंट है ऑल मेटाथीरियंस आर प्लेसेंटल मैमल्स, सभी मेटाथीरियन जो होते हैं प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। आल प्लेसेंटल मैमल्स हैव मेस्टुअल साइकिल, और सभी प्लेसेंटल मैमल में क्या चलता है? मेस्टुअल साइकिल चलती है। अब आपको इसका आंसर बताना है, तो इसमें कहेंगे कि स्टेटमेंट जो होता है यहाँ पे आपका स्टेटमेंट बी इज ट्रू एंड स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। क्या है आपका आंसर बताना है यहाँ पे, कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। एक सेकंड रुक जाइए, कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑल प्लेसेंटल मैमल्स है मेस्टुरल साइकिल, सभी प्लेसेंटल मैमल्स में मेस्टुरल साइकिल चलती है। नहीं देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच लग रहा है, ये देखिए ऑल मेटाथीरियंस आर प्लेसेंटल मैमल्स, ये तो मान लो गलत हो गया। उसका द प्लेसेंटल मैमल्स है, एक क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, एक सेकंड रुक जाइए। 108 ना, 108 का बी, ये गलत है, ठीक है, ये गलत लग रहा है, इसको छोड़ देते। चलिए फाइंड द आर्ड एग्जाम्पल, यहां पे बताना है कौन सा एग्जाम्पल अलग है, मतलब सबसे अलग है, यानी इसमें एक कोई फिश होगी बाकी सभी अलग अलग फाइलम से बिलोंग करने वाले हैं, तो आप इसका आंसर बताएंगे इसमें कौन होगा। सी फैन, सी फैन सबसे अलग है, ठीक है। इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर ए स्टॉक कॉल्ड, कह रहा इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर ए स्टॉक कॉल्ड, क्या कहते हैं इन मोलस्का आई इज प्रेजेंट ओवर ए स्टॉक कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं जल्दी बता दीजिए, उसे कहते हैं ओस्ट्रेकम। क्या कहते हैं? ओस्ट्रेकम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्ट्रेकम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्केलेटन ऑफ स्कल एंड पेयर्ड कैपिलरी ऑर्गन आर पेनिस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्केलेटन, उसके ऊपर एक जो स्केलेटन पाया जाता है, ऑफ द स्कल्स एंड पेयर्ड कैपिलरी ऑर्गन पाए जाते हैं, आर पेनिस कैपिलरी ऑर्गन पेयर में पाए जाते हैं या पेनिस पाया जाता है, आप आंसर बताएंगे कौन सा होता है? तो आप कहेंगे लिजार्ड। कौन सा होता है? लिजार्ड होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगली सीरीज आपकी स्टार्ट होती है, बस एक मिनट के लिए आप विराम करिए, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टू कैरेक्टर ऑफ द टीनिया सोलियम, कह रहा कौन ऐसा है जो टीनिया सोलियम का कैरेक्टर नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ पे मेटा मेरिज, मेटा मेरिज टीनिया सोलियम का कैरेक्टर नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डेफिनिया, डेफिनिया इज कॉमनली नोन एज, डेफिनिया को कॉमनली क्या कहा जाता है? डेफिनिया को वाटर फ्लाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर फ्लाइज कहते हैं डेफिनिया को। ये एलटी ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है आपका। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द क्लास क्रस्टेशिया, कह रहा है क्लास क्रस्टेशिया का कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे लिखा गया है यानी प्रेजेंट है, आपको बताना है। यहाँ पे सिफेलोथोरेक्स, गिल एंड अपेंडिज, सिफेलोथोरेक्स, गिल एंड अपेंडिज जो है क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करता है आपका। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट फॉर एक्जुलोटल लार्वा, एक्जुलोटल लार्वा के बारे में क्या करेक्ट है, आपको इसका आंसर करना है। एक्जुलोटल लार्वा के बारे में आपका क्या करेक्ट है, तो आप कहेंगे ए और फर्स्ट और सेकंड, इट्स सो न्यूटनी नियोटिनी एंड पैडोजेंसिस
एब्सेंस ऑफ द थायरॉक्सिन इफेक्ट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाई, एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन हाइड्रा इज कंपनसेटेड बाई, किससे आप कंपनसेट करते हैं तो आप बताएंगे किससे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से, किससे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से। बॉडी ऑफ द अर्थवॉर्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिमिलर सेगमेंट व्हिच आर कॉल्ड द मेटामर्स ऑफ द सोमेटीज, क्या मेटामर ऑफ द सोमेटीज से कौन कहेंगे तो आप किसको कहेंगे तो आप कहेंगे 100 to 120, ठीक है। बाउचेरिया इज फाउंड इन, बाउचेरिया कहाँ पाया जाता है, बाउचेरिया इज फाउंड इन बाउचेरिया बैंक्राप्टी, ठीक है, एक फाइलेरियल वार्म है, कहाँ पाया जाता है आप कहेंगे लिम्फ नोड में, कहाँ पाया जाता है लिम्फ नोड में पाया जाता है। अर्थवाम हैव नो स्केल्टन, अर्थवाम के ऊपर कोई स्केल्टन नहीं होता, बट ड्यूरिंग द बर्रोइंग द इंटीरियर एंड बिकम्स टर्जिड एंड द एक्ट एज द हाइड्रोलिक स्केल्टन इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है तो आप कहेंगे ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है तो आप बताएंगे 119 का आपका सी आंसर हो जाता है, सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, क्या होता है सिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट एंड द एनिमल कंसर्न, कह रहा है एनिमल कंसर्न के लिए कौन सा यहाँ पे ट्रू है, आपको इसका आंसर करना है, एनिमल कंसर्न के लिए कौन सा आपका ट्रू है आपको इसका आंसर करना है, और आंसर कर करके इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बता दिए कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, तब तक हम एक मिनट आराम कर लेते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़िए, जल्दी बताइए। राइट लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली हायर इन पोजिशन देन द राइट वंस, और बी वाला ऑप्शन है कॉकरोच 10 pair ऑफ द स्पेरकिल्स 2 pair ऑफ द क्या है anthrax एंड 8 pair ऑफ द एब्डोमेन, जल्दी बता दीजिए आपका आंसर तो मिल गया, जल्दी बताइए आंसर कौन है, आंसर आपका ये वाला है बी वाला, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा, कह रहा कौन ऐसा है जो एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है याद रखिएगा एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आपको आंसर करना है एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कौन है, जल्दी बता दीजिए स्यूडोसुलोम, कौन है स्यूडोसुलोम, एनिलिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, ठीक है ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विथ इट टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कह रहा कौन ऐसा है जो फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके बारे में आपको बताएंगे तो आपका हो जाता है, थोड़ा सा पढ़िए तब तक देखिए इकाइनोडर्मेट, तो यहाँ पा जाइए डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, आंसर क्या है आर्थोपोडा, बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड थोरेक्स एंड एबडामिन एंड रिस्पायरेटरी बाय द ट्रेकिया, कह रहा है कि इसमें दो कैरेक्टर आपको मिलान करना, ठीक है आर्थोपोडा में क्या होता है बॉडी डिवाइडेड होती है हेड थोरेक्स और एबडामिन में, और रिस्पायरेटरी सिस्टम किससे होता है ट्रेकिया से होता है। चलिए ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम करेक्टली बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ आर्गन mentioned against it, फिर से देखते हैं which one of the following pair of item correctly belonging to the category of organ mentioned against it, तो इसके बारे में आप बताएंगे कौन सा आंसर आपका सही होगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आपका कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे आएगा nephridia of earthworm and malpighian tubules of cockroach excretory organ, nephridia of earthworm and malpighian tubules of cockroach excretory organ होता है, ठीक है। चलिए, Which one of the following group of three animals each is correctly matched with their one characteristic morphological feature? कह रहा कौन ऐसा है जो एक दूसरे से मैच कर रहा है करेक्टरिस्टिकली मार्फोलॉजिकल फीचर के अकॉर्डिंग, आपको बताना है, तीन मैच करेंगे एक मैच नहीं करेगा, तो चार बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, स्कॉर्पियन स्पाइडर काक्रोच वेंट्रल स्लाइड CNS, ठीक है उसके बाद जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है, उसके बाद आ जाते हैं काकरोच लोकस्ट टीनिया मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये तो सही है आपका लीवर फ्लूक सी, और उसके बाद आपका एनिमोन सी नेवी बायलेटरस, आपका फर्स्ट वाला ही आपका आंसर होगा, फर्स्ट वाला क्या है आपका आंसर है कौन सा स्कॉर्पियन स्पाइडर काकरोच वेंट्रल स्लाइड CNS आपका क्या है सही आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला ऑप्शन आपका आ जाएगा, जल्दी से बढ़ जाते हैं आगे, और आगे बढ़ जाएंगे तो आपको आंसर भेजा जाएगा, घबराइए मत।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसिस्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसिस्टर। जल्दी से बताइए कौन ऐसा है जो पक्षी है लेकिन इंडिकेट करता किसको रेप्टिलियन एंसिस्टर के बारे में। ऑप्शन आप बताइए यहाँ पे, जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर सही है। स्केल्स ऑन देयर हिंड लिम्स, स्केल्स ऑन देयर हिंड लिम्स। एस्केरिस, एस्केरिस इज चैम्बर कैरेक्टरिस्टिक बाई, एस्केरिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है आपको बताना है। एस्केरिस इज कैरेक्टरिस्टिक बाई, तो आप बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। एस्केरिस इज कैरेक्टरिस्टिक बाई प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट एबसेंस ऑफ द मेटामेरिज, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट मेटामेरिज मेटामेराइजेशन पाया जाता है। एबसेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ द मेटामेरिज, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिज। अब आपको बताना कौन सा आंसर सही है, तो आप कहेंगे कि डी वाला क्या है सही है। चल इन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फाइला वाइल द एडल्ट सो रेडियल सिमेट्री द लार्वा सो बाइलेटरल सिमेट्री। कह रहा कौन ऐसा है जिसमें क्या होता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला फाइलम फाइला वाइल द एडल्ट सो रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा सो बाइलेटरल सिमेट्री। कह रहा एडल्ट जो होता है वो कैसी रेडियल सिमेट्री को शो करता है और लार्वा जो होता है बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। एक कैरेक्टर किसका है, इकाइनोडर्मेटा का, किसका है इकाइनोडर्मेटा का होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, लिस्ट वन टू लिस्ट सेकंड, फर्स्ट लिस्ट को और सेकंड लिस्ट को सिलेक्ट करके करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना। जल्दी बता दीजिए प्रोटोजोवा, ठीक है, एस्केलमेंथीज, पोरीफेरा, टेनोफोरा और निडेरिया। और इधर आ जाते हैं तो पेनिटुला है, बोरेई है, मोनोसिस्टिस है, बाउचेरिया है, क्लियोना है। तो जल्दी बता दीजिए आप मैच कराइए। चलिए कुछ मैच कराइए तो आप बताइए मैच करा के आंसर क्या सही होगा। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग, 28 का कितना होगा, ठीक है, कौन सा, चलिए बताइए भाई कौन सा है। एक का तीन दो को पाँच कहाँ गया, हाँ तो इसमें आ जाएं अगर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यहाँ किससे मैच कर रहा, मोनोसिस्टिस से, तो मान लेते हैं इसको ए। प्रोटोजोआ किससे मैच कर गया, मोनोसिस्टिस से। उसके बाद कौन है बी पे, क्या है भाई बी पे क्या है आप, एस्केलमेंथीज, अच्छा प्रोटोजोवा का तो ए हो गया और एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज का यहाँ पे क्या रखा गया है भाई बताइए, एस्केलमेंथीज का क्या रखा गया है जल्दी से बता दीजिए। एस्केलमेंथीज का रखा गया बाउचेरिया, नहीं एस्केलमेंथीज का नहीं, ये तो प्लेटेहेलमेंथीज का है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे कौन सा आंसर सही होगा भाई इसका, प्रोटोजोवा इसमें आ जाएं तो इसका आंसर आप बताइए कौन सा सही हो। थोड़ा सा ही देखिए टिपकल लग रहा है, 28 का, एक सेकंड रुक जाइए, 28 का सी, 28 का सी, अगर सी पे आते हैं तो प्रोटोजोवा, तो मान लो प्रोटोजोवा का क्लियर है, एक सेकंड रुकिए इसको छोटा करते हैं, प्रोटोजोवा का तो क्लियर है, प्रोटोजोवा का क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। चलिए थोड़ा सा मैच कराते हैं, प्रोटोजोवा का तो मोनोसिस्टिस होगा सही है, चलिए एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज का बाउचेरिया है, बाउचेरिया एस्केलमेंथीज का, प्लेटेहेलमेंथीज का है, बाउचेरिया प्लेटेहेलमेंथीज में आएगा, ये ऑप्शन में यहाँ पे प्लेटेहेलमेंथीज होना चाहिए था, ठीक है, ये आपका थोड़ा सा मिसमैच है, ठीक। उसके बाद पोरीफेरा में आ जाते हैं, पोरीफेरा का कौन है, क्लियोना, ये तो सही है। टेनोफोरा का, टेनोफोरा का क्या है आपका, बोरी, ये भी सही है। उसके बाद निडेरिया का, पेनिटुला सही है, ये देखिए प्लेटेहेलमेंथीज कर दीजिए आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए द नंबर ऑफ गिल प्रेजेंट इन किसको, आस्टिक थीज, अच्छा कह रहा है द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन द आस्टिक थीज, यानी बोनी फिश में कितने गिल पाए जाते हैं आपको ये बताना, कितने गिल बोनी फिश में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे कितने पेयर पाए जाते हैं जल्दी बता दीजिए। फोर पेयर पाए जाते हैं, कितने पेयर पाए जाते हैं, फोर पेयर। द नंबर ऑफ द एब्डामिनल सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल काक्रोच, कह रहा है एब्डामिनल सेगमेंट मेल और फीमेल काक्रोच में कितने होते हैं आपको बताना है, मेल और फीमेल में कितने होते हैं, 10-10 होते हैं, कितने होते हैं एब्डामिनल सेगमेंट कितने होते हैं, 10-10 होते हैं। द अर्थवर्म द कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ द डार्सल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड द, हाँ टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल इज प्रेजेंट इन, टिफ्लोसोल का काम क्या होता है किसमें, अर्थबाब में टिफ्लोसोल का काम बताना है, आपसे कई बार पूछा गया है। तो टिफ्लोसोल, अच्छा यहाँ पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, कहाँ से कहाँ तक टिफ्लोसोल पाया जाता है, इसका आंसर करना है आपको। तो टिफ्लोसोल आपका पाया जाता है जल्दी बता दिए 26 पेयर से लेकर के और कहाँ से 35 पेयर तक, तो ये आपका सेगमेंट सही है 26 से 35 सेगमेंट तक, ठीक है।
सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द राना टिग्रीना अप टू द जीनस। कह रहा राना टिग्रीना का आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है जीनस लेवल तक करना है। चलिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप थोड़ा सा करिए। तो फाइलम क्या हो जाएगा, फाइलम बताइए, कार्डेटा हो जाएगा, ठीक है। फाइलम बाद क्लास क्या हो जाएगा, क्लास फाइलम बाद क्लास आएगा, क्लास क्या हो जाएगा, एम्फीबिया हो जाएगा, एम्फीबिया के बाद क्या होगा, ग्रेंथोस्टोमेटा होगा कि एक ग्रेंथोस्टोमेटा होता है, ग्रेंथोस्टोमेटा हो जाएगा। तो ऑप्शन तीन तो आपको मिल जाएंगे, फाइलम, कार्डेटा, क्लास, एम्फीबिया, उसके बाद क्लास के बाद क्या आएगा, जल्दी बताइए, क्लास के बाद क्या आएगा, जल्दी बताइए, ग्रेंथोस्टोमेटा किस में आएगा, जल्दी बताइए। तो 32 का आंसर आप लाइए, कार्डेटा सही है, एम्फीबिया सही है, ग्रेंथोस्टोमेटा हो जाएगा, क्रिनेटा हो जाएगा और टिग्रीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिग्रीना। तो आपका, अरे एक मिनट, नहीं, एक 132 ने, फिर से देखते हैं, कार्डेटा, क्रेनेटा, ठीक है, कार्डेटा के बाद क्रेनेटा आएगा, ग्रेंथोस्टोमेटा होगा, तब एम्फीबिया होगा, तब राना होगा, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे मिसमैच हो गया था आपका, बी वाला सही, ठीक है, कौन सा सही, बी वाला सही, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, द क्लोका ऑफ फ्रॉग इज ए कॉमन चैम्बर फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड, द क्लोका ऑफ फ्रॉग इज ए कॉमन चैम्बर फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड, और किसका, तीन ट्रैक्ट का वो कॉमन होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का, और किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। और उसके बाद मेजोग्लिया इज सीन इन बिटवीन, मेजोग्लिया किसके बिटवीन में पाया जाता है, किसके बिटवीन में देखा जाता है। तो आपका आंसर होगा क्या होगा, जल्दी बता दिए, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म किसके बीच में, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में। ग्रीन ग्लैंड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, ग्रीन ग्लैंड किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, आपसे पूछा गया, कई बार पूछा गया है, तो आंसर बता दीजिए, आप सही बता रहे हैं, किस में होता है, प्राण में पाया जाता है। द पैरासाइट व्हिच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन द सिंगल होस्ट इज, कह रहा उस पैरासाइट का नाम बताइए जो अपनी लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट में पूरा करता है, उसका आंसर आपको बताना है, कौन है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, कौन है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस से, कौन है, एक मिनट, हाँ, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस सही। वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, कह रहा किस फाइला में वाटर वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है, आपको इसका आंसर बताना है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। उसके बाद रॉयल जेली इज सिक्रेटेड फ्रॉम, रॉयल जेली किससे सिक्रेट होती है, तो आप बताएंगे हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से, किससे, हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड से पाया जाता है। इन विच ट्रिफ्लोब्लास्टिक एनिमल सिलोम इज प्रेजेंट, कह रहा है इन विच ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल सिलोम इज एबसेंट, कह रहा है ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल कौन है जिसमें सिलोम क्या होता है, एबसेंट होता है। तो आपको इसका आंसर करना होगा किसमें होता है, प्लेटे हेलमेंथीज में, किसमें, प्लेटे हेलमेंथीज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, ए वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई हनी बी टू रिपेयर कॉम्ब्स इज कॉल्ड, कह रहा एक वैक्सी सब्सटेंस निकलता है, मोम निकलती है, जिससे हनी बी क्या करता है, रिपेयर करता रहता है अपने छत्ते को, ये क्या कहलाता है, इसके बारे में बताना है, इसको क्या कहते हैं आप बताएंगे, प्रोपोलिस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला कंपाउंड आई आर प्रेजेंट, कौन सा ऐसा फाइला है जिसमें कंपाउंड आई पाई जाती है, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई पाई जाती है, किसमें, आर्थ्रोपोडा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर क्रॉप, कह रहा कौन यहाँ पे है जो मेजर क्रॉप नहीं है, यानी आप बताना मेजर क्रॉप नहीं है, तो यहाँ पे आपके देखिए सिरिनस मृगरेला दिया है, मृगाला दिया, ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर कौन है, ए वाला, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, जल्दी बताइए इन्फेक्टिव स्टेज कौन होता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस का, तो जल्दी से बता दिए कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एग विथ सेकेंड स्टेज लार्वा, ठीक है। चलिए, चूज द माइनर क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग लेबियो बाटा, क्या है लेबियो बाटा, आप में से कितने लोगों के यहाँ तक मानसून आ गया, जल्दी बताइए कमेंट करके, किसके यहाँ तक मानसून आ गया, गर्मी अपने प्रकांड स्थिति पे पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, हालत खराब है, ना तो प्रैक्टिस पेपर कराने की इच्छा हो रही, ना पढ़ने की इच्छा हो रही। तो जिन लोगों के पास मानसून पहुँच चुका है, जिन लोगों के शहर में, गांव में, घर में, ठीक है, वो लोग, जो लोग ठंडा मौसम का आनंद ले रहे हैं, वो अपनी तैयारी पे ज़्यादा बल दें, और जिन लोगों को गर्मी लग रही वो भी कोशिश करें, तैयारी तो करना ही करना है, ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, गर्मी को सहते रहिए, ठीक है।
क्या था? आर्निथोरैंकस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आर्निथोरैंकस किसका एग्जाम्पल है? आपका 45 का आंसर बताना है, किसका है? मोनोट्रीम मैमल्स का, मोनोट्रीम मैमल्स का आर्निथोरैंकस एग्जाम्पल होता है। और उसके बाद से क्या है, स्केरपो फागा इंसर्टिलुस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या क्या दे देता भाई, इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। मोनोफेक पेस्ट, क्या है मोनोफेक पेस्ट? नाम देख लीजिए आप, पढ़ लीजिए, बड़ा कठिन नाम है। द लाइफ स्पान ऑफ हनी बी ड्रोन इज, हनी बी ड्रोन की लाइफ स्पान बताना है आपको, बताइए जल्दी बताइए क्या होता है। 1 to 2 month, कितना होता है? 1 से 2 month के होते हैं, ठीक है। द मोस्ट वाइड स्प्रेड ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बिलोंगिंग टू द किंगडम, कह रहा कौन सा ऐसा है जो बिलोंगिंग टू द किंगडम है, तो ये कौन हो जाता है? प्लेंटिया हो जाता है। कौन हो जाता है? प्लेंटिया हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका है ड्यूट्रोस्टोम कंडीशन एंड इंटरमीडिएट रेडियल क्लीवेज आर करेक्टरिस्टिक ऑफ, ड्यूट्रोस्टोम कंडीशन एंड इंटरमीडिएट क्या है, रेडियल क्लीवेज आर करेक्टरिस्टिक आप, किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? तो आप बताएंगे किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, जल्दी से बता दीजिए। 149 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्डेट और इकाइनोडर्मेट का, किसका? कार्डेट और इकाइनोडर्मेट का करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा तेज चलते हैं तो जल्दी खत्म करते हैं, बहुत मन उब गया, ठीक है। विच वन ऑफ दीज इज द रिफर टू एज द बीनस फ्लाई फ्लावर बास्केट, कह रहा कौन ऐसा है जो बीनस फ्लाई फ्लावर बास्केट से बिलोंग करता है, इसका नाम बताएंगे। यूप्लेक्टिला होता, क्या होता है? यूप्लेक्टिला होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूप्लेक्टिला होता, क्या होता है? यूप्लेक्टिला होता। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? रुक जाओ यार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द ट्यूब फिट इन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम, कह रहा है ट्यूब फिट का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किस फाइलम का? तो ट्यूब फिट का पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, 151 का आंसर बता दिए, किसका है? तो आप कहेंगे इकाइनोडर्मेटा का है। टू चैम्बर हर्ट इज द फीचर ऑफ, टू चैम्बर हर्ट किसका फीचर? एम्फीबिया यानी सॉरी पीसेज का यानी फिश का, किसका है? टू चैम्बर हर्ट किसका पाया जाता है? फिश में पाया जाता है, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबव, यहाँ पे लिस्ट में फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको छोटा करूँगा तब बताऊँगा आपको, ठीक है। काकरोच, काकरोच मेलपिगियन ट्यूबुल से सही है। क्लेरिस, क्लेरिस में किससे होता? क्लेरिस में किडनी से होगा, ठीक है, ये भी सही है। अर्थबाम, अर्थबाम में किससे होगा? मॉइस्ट स्किन से होना चाहिए, किससे? अर्थबाम में, अर्थबाम में, अर्थबाम का ऑप्शन कहाँ गया? अर्थबाम का ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्लेम से। ब्लेनोग्लासेस, ब्लेनोग्लासेस का ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोबोसिस। और उसके बाद फ्लैट वार्म का क्या हो जाएगा? निफ्रीडिया। ये तो उल्टा पलटा लग रहा है भाई, इसमें आंसर आपको बताइए कौन सा है। 153 का आंसर क्या है? ये गलत हो रहा है कुछ, इसमें देखिए आंसर फिर से देखते हैं। काकरोच का मेलपिगियन ट्यूबुल्स आपका सही, बी किस में है? फर्स्ट सी में है और इसमें है इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्लेरिस में, क्लेरिस में क्या हो जाएगा? तो अगर यहाँ पर आ जाते हैं डी वाले में, बी वाले वन सी डी सी वाले में आते हैं, दो का ए, क्लेरिस में नेफ्रीडिया नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं, ऑप्शन तो सी ही सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपके? ई, ऑप्शन नंबर ई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपरली मैच्ड, कह रहा कौन ऐसा है जो प्रॉपरली मैच्ड है, आपस में मिला हुआ है, जल्दी बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली मैच्ड, कौन प्रॉपरली मैच्ड है, जल्दी बताइए आंसर बोलिए। प्रॉपरली मैच्ड का आंसर आर्थोपोडा, इंसेक्टा, स्पाइडर, मोलस्का, सिफेलोपोडा, यूनियो और प्लेटे हेलमिंथीज, ट्रिमेटोडा प्लेनेरिया और इकाइनोडर्मेटा स्ट्रेसिया और स्टारफिश, जल्दी बता दिए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो जल्दी से आंसर बताइए, तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा स्ट्रेडिया और स्टारफिश आपका सही आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स इज नॉट इन द टोड अन क्या आर्ड टोड अनग्लेटेड, ठीक है, क्या लिखा गया भाई? आर्ड टोड अनग्लेटेड, ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा 155 का आंसर, आपको बता दीजिए क्या हो जाएगा। 155 का आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से बता दीजिए, 155 का कैमल, ठीक है। उसके बाद ऑल फ्लैट वार्म्स डिफर फ्रॉम ऑल राउंड वार्म्स इन हैविंग, कह रहा सभी फ्लैट वार्म राउंड वार्म से क्या होते हैं? अलग होते हैं। वो अपने पास क्या रखते हैं? तो वो अपने पास क्या रखते हैं, जल्दी से बता दीजिए। वो अपने पास क्या रखते हैं? सॉलिड मेजोडर्म रखते हैं। क्या रखते हैं? सॉलिड मेजोडर्म को रखते हैं। क्या रखते हैं? सॉलिड मेजोडर्म को रखते हैं।
हैं? क्या रखते हैं? सॉलिड मेजोडर्म को रखते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड मेजोडर्म। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉइजनस? कह रहा कौन इसमें सबसे ज़्यादा पॉइजनस है तो आपको बताना है। चेमलियान है, ग्लास स्नेक है, उसके बाद हेलोडर्मा है और उसके बाद हार्न टोड है। तो कौन इसमें मोस्ट पॉइजनस है तो आप बताएंगे हेलोडर्मा। कौन है? हेलोडर्मा है। उसके बाद बेनम ऑफ द कोबरा अटैक, बेनम ऑफ कोबरा अटैक कहाँ पे अटैक करता है? बेनम ऑफ कोबरा कहाँ पे अटैक करता है जल्दी जल्दी बताइए। नर्वस सिस्टम पे। किस पे अटैक करता है? नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ट्यूब फीट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द स्टारफिश, किसका होता है? स्टारफिश को होता है। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज फॉर्म इन, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम किस में पाए जाते हैं? प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इज फॉर्म इन किस में पाए जाते हैं? निडेरिया में। किस में पाए जाते हैं? निडेरियम सिलेंट्रेटा में। टिशू आर एबसेंट इन द बॉडी ऑफ, टिशू आर एबसेंट इन द बॉडी ऑफ, किस में टिशू एबसेंट होता है? स्पंज में। किस में एबसेंट होता है? स्पंज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल इज बायोलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? कह रहा है कौन एनिमल ऐसा है जो बायोलेटरल सिमेट्रिकल होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। किस में होता है? एस्केलमेंथीज में, राउंड बार में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल कंप्राइजेज जालेस फिश? कह रहा है किस में जालेस फिश आते हैं आपको इसको बारे में बताना है। तो जालेस फिश किस में आते हैं तो आप कहेंगे लेम्प्री और हग फिश को क्या कहते हैं? जालेस फिश कहते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड एंड डेट सर्व बोथ द माउथ एंड बेल एस एनस। कह रहा हुआ कौन सा एनिमल है जिसमें माउथ और एनस दोनों एक ही पार्ट से यानी एक ही ओपनिंग से होता है? तो उसके बारे में आपको बताना है। एक ही ओपनिंग से माउथ और एनस दोनों होता है, फेस्यूला में होता है, बोथ माउथ एनस। ठीक है, उसके बाद इन सम एनिमल्स ग्रुप द बॉडी इज फ्लूइड डिवाइडेड इनटू द कंपार्टमेंट विथ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स ऑर्गन रिसेप्टर रिपीटेड दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नेम्ड एज। कह रहा है ऑर्गन ऑर्गन रिपीटेड होते रहते हैं या कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या कहलाता है, कैसा कहलाता है जल्दी बता दीजिए। क्या कहलाता है? 65 का आंसर आपको करना है। क्या कहलाता है? मेटामेरिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटामेरिज्म कहलाता है। गिवेन बिलो द टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द सम एनिमल्स ईच वन ऑफ स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। कह रहा उनके बारे में, गिवेन बिलो ए टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द सम एनिमल्स ईच वन ऑफ द स्पेशलाइज टू परफॉर्म ए सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। कह रहा किसको छोड़ करके यहाँ पे होगा तो किसको छोड़ करके तो आप बताएंगे किसको? इंटेस्टाइनल सेल को। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स आर आप फोर चैम्बर हर्ट? कह रहा कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें शेयर फोर चैम्बर हर्ट, जिसमें चार चैम्बर के हर्ट पाए जाते हैं? आपको बताना है। तो आपका आंसर इसमें क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल आपका सही ऑप्शन हो जाता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन? किसमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है जिसको बताना है? आपको आंसर बताइए। फ्रॉग और पिजन में नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है, दोनों हमारे कोर्स में रखे गए हैं। बर्ड्स ऑफ मैमल शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज ए कॉमन फीचर? कह रहा बर्ड्स और मैमल में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हो जो कॉमन है? किसमें? बर्ड्स और मैमल में। तो उसके बारे में आपको बता देना है कौन सी कॉमन फीचर है। तो वार्म ब्लडेड एनिमल, दोनों कैसे हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू ए सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप? कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू ए सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप? तो आपको बताना कौन सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करता है, जल्दी से इसका आंसर बता दिए। 170 का आंसर बता दीजिए कौन सा होगा। तो आप कहेंगे कौन सा? मंकी, चिंपैंजी और कौन है? चिंपैंजी और मैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कह रहा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया? तो आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे, तो चारों पढ़ लीजिएगा। आपको मैं पीडीएफ शेयर ही करूँगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर कर देंगे। मेजोग्लिया इज द प्रेजेंट इन द बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द मेजोडर्म ऑफ द ओविलिया। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट? कह रहा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो इसके बारे में आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला वाला ही इनकरेक्ट लिखा गया है। इन काक्रोच एंड प्रान एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स अकर्स थ्रू द मैलपीगियन ट्यूबल्स, यही आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओबीपेरस? कह रहा कौन यहाँ पे ओबीपेरस है इसके बारे में आपको बताना है। कौन ओबीपेरस है? प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या है? ओबीपेरस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नैक? कौन यहाँ पे पॉइजनस स्नैक है तो आपको इसको बताना है। पाइथन जो है नॉट पॉइजनस स्नैक है, ये पॉइजनस स्नैक नहीं है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट इन एनिमल विथ देयर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इनको क्या करना है आपको? सेट करना है और सेट करके अपने आंसर को बताना है। डिवीजन ऑफ लेबर एनिमल
ऑर्गन लेवल पे कौन पाया जाता है, सेलुलर लेवल पे कौन पाया जाता है, टिश्यू लेवल पे और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे कौन पाए जाते हैं, यह आंसर बताने की तो आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। चलिए फिर से एक बार हम मैच करा देते हैं आपका कौन सा यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो पहला है ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे आपका कौन पाया जाता है, तो ऑर्गन लेवल पे जैसे आएंगे तो ऑर्गन लेवल पे आपका पाया जाता है कौन सा, ऑर्गन लेवल पे आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाता है आपका, एक सेकंड रुकिए, तो इसका जो आंसर हो जाता है 75 का जो आंसर है आपका, वो आंसर है आपका सी लेवल का, ठीक है। इसको आप मैच करा लेंगे, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ पर्सनल वर्क है जिसको करना आवश्यक हो गया है, आप ही के लिए काम है, ठीक है, तो उसकी टाइमिंग हो गई तो उसको करना जरूरी हो गया, तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि आपकी क्लास को ओवर कर दिया जाए और आपको ये सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ भेजा जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं आपके, 25 इधर है 35 उधर है, ठीक है, मैं 30 उधर है और 25 इधर, लगभग आपके 55 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर की भी मैं भेज दूंगा, तो आप इसको करते रहेंगे तो क्या होगा, इससे मैं, ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूँ लेकिन करवाने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी दूसरी क्लास है दूसरी जगह पे, तो उस क्लास को मुझे पूरा करना होगा और टाइम आपकी हो गई, देखिए 7 बजने जा रहा है, तो फिर मैं आपको यहीं पे विराम दूंगा, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। मेरा प्रयास ये था कि मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे थे, टिपिकल थे, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया, तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।